हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ चिकन करी बना के दिखाने, वो भी माया किचन के स्टाइल में बना के दिखाएंगे, बहुत आसान तरीके से। चलिए दिखाते हैं बहुत जल्दी झटपट कैसे बनते हैं। मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चिकन करी माया किचन के स्टाइल में बहुत ही सिंपल रेसिपी बना के मैं दिखाने जा रही हूँ। मैंने लिया यहाँ पे 750 ग्राम चिकन, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके रखी हूँ, और लिया मैंने ऑयल, ज़रूरत के हिसाब से पानी, और लिया मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी, जिंजर गार्लिक के पेस्ट, कुछ कटी हुई हरी धनिया, 1 अनियन जिसको मैंने ग्राइंड करके रखी हूँ, और लिया मैंने मसाले के लिए 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून MDH के किचन किंग मसाला, और लिए 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब और मैंने लिया 2 टमाटर जिसको मैंने ग्रेट करके रखी हूँ, 150 ग्राम दही, और लिया कुछ मैंने तड़के के लिए साबुत गरम मसाला, जिसमें 2 लाल मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, साबुत जीरा है, 2 तेज पत्ता। अब मैं जा रही हूँ चिकन को मैरिनेट करने। इसमें हल्का सा मैंने नमक डाल दिया और डाल दिए दही, और डाल दिए जिंजर गार्लिक के पेस्ट, आधा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया, आधा पेस्ट मैंने ग्रेवी के लिए रखी हूँ, और मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं इसको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके आधा घंटे के लिए मैंने रख देंगे। इसके जितने अच्छा आप मैरिनेट करोगे उतने स्वादिष्ट बनेंगे आपका चिकन। अब मैंने इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। गैस ऑन के कढ़ाई को मैंने चला दिए, कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। दो टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि ऑयल मैंने पैसे मैरिनेट में भी दे रखी हूँ, और मैंने 2 चम्मच देसी घी। घी मैं इसलिए डालती हूँ थोड़ा स्वादिष्ट और बन जाएंगे, वो घी आपके ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, और साबुत जो मसाला लिया था वो डाल दी, लौंग, इलायची, जीरा। साबुत मसाले आपको तड़के में देने से क्या होते हैं, थोड़ा मसाला के स्वाद और बढ़ जाते हैं। अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ ऑनियन डाल दिए, प्याज हल्का सा मेरा ब्राउन हो गया। अब मैं डाल देंगे जिंजर गार्लिक के पेस्ट, अब मैं डाल देंगे ग्रेट किए हुए टमाटर, आप मिक्सी में पेस्ट भी बना के दे सकते हो, क्योंकि ग्रेट करने में क्या होते हैं थोड़ा सा स्वाद और हो जाते हैं। अभी मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, नमक, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, खड़े मसाले के बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला मेरा फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो साइडों में ऑयल निकल आया। मसाला आप बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करोगे तो चिकन के टेस्ट और दुगुना हो जाते हैं। मसाले की खुशबू भी आ चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैरिनेट किए हुए चिकन है ये सबको इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं।
अब घर में इतनी आसान तरीके से आप बना के खाओगे, आपको लगेगा जो हम रेस्टोरेंट जैसा खा रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई अलग तरीके से नहीं बनाते हैं, इस तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन घर वाले खाना और ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो आप घर में ट्राई करके देखना, बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से मैंने बना दिए। अब मैं इसमें क्या करनी है, मैरिनेट किए हुए जो बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा इसको मैं इसमें डाल देंगे, क्योंकि आपको चिकन में से भी दही में से भी पानी निकलेगा, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब देख सकते हो देखने में भी कितना कलरफुल है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होंगे। अब मैं इसको क्या करना है, 10 मिनट के लिए ढक देंगे सीम आँच पे। 10 मिनट में हो चुके हैं, अब देख सकते हो कितने अच्छे से कलर आया हुआ है। इसका ग्रेवी भी देखने में कितने अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इसको मैंने क्या करना है, 5 मिनट और इसको ढक देंगे तो चिकन मेरा पूरी तरह से पक जाएंगे। 5 मिनट मेरा और हो चुके हैं, अब देख सकते हो चिकन के कलर कितना अच्छा आया हुआ है ग्रेवी के। अब मैं क्या करना है, इसमें MDH के किचन किंग मसाला डाल देंगे। देखिए मैंने इसमें पानी भी नहीं दिया, लेकिन जो दही के पानी और चिकन के मसाला के पानी उसी में मेरे कितने अच्छे ग्रेवी बन गया है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। 2 मिनट मेरे हो चुके हैं, अब मैं इसमें हरे धनिया डाल देंगे। अब देख सकते हो कितने अच्छे चिकन करी बनके मेरा तैयार हो गया और चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब ये देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब मैं जा रही हूँ इसको सर्व करने। कलर भी कितने अच्छा आया हुआ है, आप देख सकते हो कितनी झटपट नॉर्मल तरीके से अपना, कितनी सिंपल तरीके से मैंने चिकन करी बना दी है घर पे। चिकन करी माया किचन के स्टाइल में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बना के आपको दिखाई हूँ। मुश्किल से मेरे को 25 मिनट टाइम लगा है बनाने में। ऐसे चिकन के मैं बहुत सारे रेसिपी अपने चैनल में दे रखी हूँ, ऊपर में जाके आइकन को क्लिक करना। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।